हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने बोला था आपको कि ट्रस्ट एक्ट जो है 1882 का सेक्शन नंबर 8 और 9 हम एक साथ एक ही वीडियो में देखेंगे। ये है तो अपने आप में बहुत छोटा, लेकिन समझने वाली बात है और इम्पॉर्टेंट भी है, और एक ही वीडियो में दोनों हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि सब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट यानी न्यास का विषय क्या होना चाहिए। जिस प्रॉपर्टी को आप ट्रस्ट में देने जा रहे हैं वो क्या है, तो न्यास की विषय वस्तु वो होनी चाहिए जो हिताधिकारी को अंतरणीय संपत्ति है, यानी जिस भी बेनिफिशियरी के लिए हम प्रॉपर्टी क्रिएट ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं उसी के लिए हम ट्रांसफर करेंगे। हालांकि उसको नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए ट्रांसफर कर रहे हैं ट्रस्टी को। तो वैसी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफरेबल है वो होनी चाहिए, सब्जेक्ट यानी प्रॉपर्टी होनी चाहिए यहाँ पे, और वो केवल किसी अस्तित्वशील न्यास के अधीन फायदाप्रद हित नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमने प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन कहीं कुछ ट्रस्ट सॉरी कहीं कोई हित है, कहीं कोई इंटरेस्ट है, तो बस उस इंटरेस्ट को हमने ट्रांसफर कर दिया, तो इतने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको संपत्ति को अंतरित करना ही होगा। किसको? न्यासधारी को। किसके लिए? हिताधिकारी के लिए। क्योंकि जब तक आप हिताधिकारी के लिए संपत्ति का अंतरण न्यासी को नहीं करेंगे, तब तक आपका जो ट्रस्ट है यानी आपका जो न्यास है वो पैदा ही नहीं होगा। और अस्तित्वशील होनी चाहिए संपत्ति। एक बात बार बार ये बात बताई जाती है कि जिस प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस नहीं है उसको आप ट्रस्ट में दे नहीं सकते। अब आगे हम देख रहे हैं हिताधिकारी कौन हो सकता है। सेक्शन 9, संपत्ति धारण करने के लिए समर्थ हर व्यक्ति हिताधिकारी हो सकता है। तो संपत्ति को तो कोई भी धारित कर सकता है। अब कोई भी का मतलब, मेरा मतलब वो नहीं है कि कोई पागल या फिर कोई दिवालिया यानी इडियट और ल्यूनेटिक भी धारण कर लेगा, वैसी कोई बात नहीं है। मेरा मतलब यहाँ पर वैसे व्यक्ति से था जिसकी दिमागी स्थिति सही है, जो सोचने समझने की क्षमता रखता है। और कोई भी अंतरण अगर उस पर होता है तो उसके परिणाम उसके लिए क्या होंगे, अच्छे होंगे या बुरे, उस सोचने समझने की उसमें शक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पर पता चल गया कि हिताधिकारी कौन हो सकता है। अब इसके नीचे एक और पॉइंट है कि हिताधिकारी द्वारा दावे का त्याग। प्रस्थापित हिताधिकारी न्यास के अधीन अपना हित न्यासी को संबोधित दावा त्याग द्वारा या न्यास की सूचना होते हुए उससे असंगत दावा खड़ा करके दावा त्याग सकता है। पढ़ते भी आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर कोई हिताधिकारी नहीं चाहता है वैसा दावा का मतलब है जो प्रॉपर्टी या जो हित उसके लिए ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी वाला, वो अगर उसको नहीं लेना चाहता तो वो अपने दावे का जो है त्याग कर सकता है। और त्याग करने के लिए उसको न्यासी से इस बात को कहना होगा कि वो इसे नहीं लेना चाहता, वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। या इसके अलावा वो कोई और दावा खड़ा कर सकता है इसके लिए, जैसे कि वो कहे कि ये प्रॉपर्टी जो है कि जो रकम जो मुझे मिलेगी हर मंथ वो बहुत कम है, मुझे इससे कहीं ज़्यादा चाहिए, मेरा खर्च इससे कहीं ज़्यादा है, तो वो कोई दूसरा दावा पेश कर सकता है पहले वाले दावे को त्याग करने के लिए। तो इसमें दोनों बातें बताई गई है, या तो वो अपने दावे को त्याग कर सकता है, उसे न्यासी को ये बात कहनी पड़ेगी, और दूसरा कि वो दूसरा दावा खड़ा करेगा पहले वाले दावे को त्यागने के लिए। अगर आपको याद होगा तो शायद इस बार बिहार जुडिशियल सर्विस के 32nd जुडिशरी में त्वरण का सिद्धांत पूछा गया था, आप देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन। और ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खैर अभी हम वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, इतना ही छोटा काफ़ी है, ज़्यादा बातें करेंगे तो बातों का कोई अंत नहीं है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि 4 से 5 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो, क्योंकि बहुत बोरियत होती है देखने में, मुझे तो खुद बोरियत होती है। मैं कभी भी YouTube चैनल पर कोई भी लंबा लेक्चर या वीडियो कभी नहीं देखती हूँ, क्योंकि उसे बहुत बुरी, उसे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, उतनी देर में आप अपनी खुद की बहुत पढ़ाई कर लेंगे। चलिए इसको यहीं पे समेटते हैं वीडियो को, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ें लिखें और अपना ख्याल रखें। प्रीलिम्स होने की संभावना अगर आपकी है तो मेंस की तैयारी करें, और प्रीलिम्स की नहीं है तो पीटी की तैयारी फिर से करें। अभी फिर से बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, झारखंड जुडिशरी, झारखंड APO, उत्तराखंड APO और UP APO, आप देख ही रहे होंगे YouTube पे, एक्सपेक्टेड है। तो चलिए गुड बाय, गुड लक, खुद भी खुश रहिए एंड दूसरों को भी रहने दीजिए। बाय बाय।